नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आप सभी लोग देख रहे हैं साइबर कैफे चैनल। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस बनाऊं, तो आज अगले ही दिन मैंने एक वीडियो बनाई है। वीडियो इस टॉपिक पे है कि आजकल आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। जब भी ट्राई करते हैं उसमें स्लॉट ऑलरेडी फुल दिखाता है, शो करता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व एक तरह से की है, सिंपल सी कॉमन सेंस ही बात है, लेकिन आप लोग ये वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो वीडियो में ट्रिक ये है दोस्तों कि एक तो जो लोग जॉब करते हैं उनको अदर डेज में जाने में दिक्कत होती है, तो आप लोग संडे की भी स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। प्लस आप लोग अगर अर्ली मॉर्निंग स्लॉट बुक करेंगे तो आपको स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज दोपहर में करेंगे या इवनिंग में करेंगे तो मॉर्निंग में ही इसका सारे स्लॉट जो है वो फुल हो जाते हैं। और स्लॉट जो है वो अगले 15वें दिन का ही खुलता है, मतलब अगले एक दिन का ही खुलता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एक महीने पहले या एक हफ्ते के अंदर बुक कर ले, ऐसा नहीं है। 15वें दिन में मतलब एक दिन एक्स्ट्रा के लिए खुलता है, पर डे एक दिन एक्स्ट्रा के लिए खुलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बुक करने वाले हैं। अभी लगभग 10 बज चुके हैं और मैं आपको संडे का 8 तारीख का स्लॉट बुक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि किसी भी वीडियो के लिए सबसे पहले क्रोम ओपन करना पड़ता है, मेरे चैनल पे स्पेशली, क्योंकि फॉर्म भरने की मेरी वीडियोस होती हैं। तो आज के क्रोम पे हम लिखेंगे आधार कार्ड लिखो या आधार लिखो, अपने आप बाकी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और इसके होम पेज पे जाएंगे, सबसे ऊपर वाले टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे है बुक एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट में हम लोग रहते हैं ये सिलेक्ट करेंगे। मतलब सरकार ने सभी स्टेटों में सरकारी केंद्र बनाए हुए हैं आधार कार्ड के लिए, वहीं पे अब करेक्शन होता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पहले लोग प्राइवेटली पैसे दे के अपनी ज़रूरत के हिसाब से बार बार ज़्यादातर करेक्शन करवाते थे। तो यहाँ पे हमने जैसे ये दिल्ली के दो हैं मेन, दिल्ली इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो इंद्रलोक वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार अपडेट कराना है या नया आधार बनवाना है या अपॉइंटमेंट मैनेज करनी है, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे हैं, जिसमें कि हमें आधार अपडेट में मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन्स आएंगे, जिसमें कि ये देखिए ओटीपी यहाँ पे आएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी, उसके बाद यहाँ पे अगला अपडेट का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें आधार नंबर एंटर करना है, जो हमारा आधार कार्ड जो हमें अपडेट कराना है उसका आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद नाम इसमें डालना है। नाम कौन सा डालना है दोस्तों, अगर आपको नाम चेंज कराना है तो भी यहाँ पे जो नाम चेंज कराना है वो नहीं डालना है, याद रखना दोस्तों, वो नाम नहीं डालना है। जो आपका आधार में अभी करंट में जो है नाम डला हुआ ऑलरेडी, वही नाम यहाँ पे एंटर करना है। अपडेट कराने वाला नाम आगे डलेगा, मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन में हम लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट करेंगे। तो ये देखिए सारे स्टेट्स यहाँ पे भी हैं। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अक्षरधाम या इंद्रलोक, दिल्ली के अंदर दो ही जगह हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे इंद्रलोक हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि हमें एक्चुअल में अपने आधार कार्ड में अगर अपडेट करना है तो क्या चीज़ अपडेट करनी है। अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड है तो 5 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट अपने आप यहाँ पे टिक लिखा हुआ आएगा, और अदरवाइज़ आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे कि नाम अपडेट कराना है तो यहाँ पे टिक करना है, जेंडर के लिए यहाँ पे, मोबाइल नंबर अपडेट करना है जो अभी आपने जिस पे ओटीपी आया तो यहाँ पे, अदरवाइज़ उसमें एडिट करने का भी ऑप्शन आता है। ईमेल आईडी अपडेट करना है तो यहाँ पे, एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे, ठीक है, और बायोमेट्रिक कराना है तो यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को फ़ीस दिख रही होगी, अभी 0 रुपये है। जैसे ही मैं यहाँ पे नेम के लिए यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 50 रुपये फ़ीस आ जाएगी। अगर आप इनमें से
यहाँ तक DOB तक कुछ भी अपडेट कराते हैं तो आपको 50 रुपये देना होगा, और प्लस में बायोमेट्रिक भी अगर अपडेट कराते हैं जैसे कि फ़ोटो, आईरिस या फिंगरप्रिंट, तो आपको 50 रुपये और, मतलब 100 रुपये टोटल फीस लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे न्यू नेम आपको, अब यहाँ पे वो वाला नाम डालना है जो नेम आपको अपडेट कराना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ आएंगे, नेम अपडेट में क्या क्या प्रूफ आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एड्रेस भी पे टिक किया है, लेकिन यहाँ पे फीस नहीं बढ़ी है, क्योंकि यहाँ तक कुछ भी आप लोग करेंगे तो यहाँ पे फीस नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे, ये एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे एड्रेस हमारा अपडेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। हम लोग इसमें प्रूफ देख लेते हैं। ये देखिए, नेम के प्रूफ में इनमें से कोई सी भी चीज़ एक लगा सकते हैं, जिसमें कि सबसे सिंपल होता है अगर शहरों में है तो MP या MLA का लेटर मिलना लेटर हेड पे, और गांव में है तो पंचायत सरपंच का लेटर हेड मिलना। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो ये तुरंत के तुरंत सबसे तेज़ी में यही एक चीज़ है जो बनती है, अगर हमारे पास कोई पहले से डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अदरवाइज ये देखिए, बैंक पासबुक में फोटोग्राफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग देख लेना इसको। और यहाँ पे देखिए, हमें एड्रेस भी चेंज कराना है तो एड्रेस भरना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संडे 8 नवंबर की हमें डेट मिल रही है, तो और आज जिस दिन मैं बुक कर रहा हूँ आज भी संडे ही है, लेकिन संडे के दिन लोग लेट से उठते हैं, और प्लस आज दशहरा रामनवमी भी है, तो इसीलिए अभी तक स्लॉट खाली है। और जबकि यहाँ पे टाइम जो हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, 10:44 हो रहा है, हालांकि ये 7-8 बजे 8 बजे 8:30 बजे तक सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्लॉट बुक हुए हैं लेकिन अभी काफ़ी सारी जगह खाली है, तो यहाँ पे 10:50 का स्लॉट जो है वो मैंने बुक किया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल्स जो आपने करेक्ट की हैं, जैसे कि आधार पे नाम ये था और नया नाम जो हमने डाला है वो थोड़ा बड़ा है, वो ये है, और उसके बाद OTP मोबाइल नंबर ये है, और एड्रेस जो हमने चेंज किया है वो ये है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो एक बार जांच लीजिए, उसी के बाद फिर सबमिट कीजिए, नहीं तो बाद में इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये ऑप्शन बाकी के खुलेंगे। उसके बाद PayU पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप लोग चाहें तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इस वीडियो में डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके दिखाया है। उसके बाद डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर होंगी, उसके बाद प्रोसीड टू सेव प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, फिर OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा वो आपको प्रिंट करके लेके जाना है। कुछ इस तरह से ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, तभी कुछ स्लॉट बचेंगे, अदरवाइज आप शाम को या दोपहर में ट्राई करते हैं तो स्लॉट नहीं होते। आज रामनवमी थी, काफ़ी लोग बिजी थे, शायद इसीलिए आज स्लॉट इतनी देर तक 10 बजे तक बचे, अदरवाइज़ ये 8, 8:30 बजे या 9 बजे तक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के काम की होगी और पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे आने वाली वीडियोस को अगर रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।